हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेबी डोज कॉइन के ऊपर। जी बिल्कुल, हम देखने की कोशिश करेंगे भाई कितनी तादाद में जो एक बहुत बड़ी जो बर्निंग होने वाली थी, क्या वो हुई या नहीं हुई, कितनी क्वांटिटी में हुई और उसका प्राइस में हमें कोई इम्पैक्ट वगैरह देखने को मिला कि नहीं देखने को मिला, और बेबी डोज कॉइन के रिलेटेड क्या क्या अपडेट्स है, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, तो वो सारी की सारी जो बातें होंगी वो इसी वीडियो में होंगी। तो इससे पहले कि मैं बेबी डोज की वीडियो की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि बेबी डोज हो या कोई भी कॉइन हो उसके रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी कंटेंट वगैरह कुछ भी निकल जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सकें। सो यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड लाइक टू मूव ऑन माय वीडियो। तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट और भी करूँगा कि मेरा टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो भी ज़रूर ज्वाइन करें। और डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि भाई मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आपको जब भी जहाँ भी पैसा लगाना है अपनी मर्जी से अपनी रिसर्च करके अपने रिस्क पे लगाना है। तो भाई बात करेंगे बेबी डोज की, तो पहले हम देख लेते हैं मार्केट को। तो भाई हमारा बिटकॉइन वाइजन 2.18% डाउन है, आप देख सकते हैं 28,022 डॉलर पे चल रहा है। वहीं मैं हमने देखा कि इथेरियम 1,829 डॉलर पे चल रहा है, जो 0.98% डाउन जा चुका है। वहीं पे बीएनबी 327 पे चल रहा है, 2.09% डाउन है। एक्सआरपी की बात करें तो 0.46 पर डॉलर की करंट प्राइस के साथ चल रहा है, 0.48% डाउन है। कार्डेनो 1.47% डाउन है। तो इस तरह ओवरऑल हमारी जो मार्केट है वो मूव ऑन कर रही है। तो भाई मार्केट के साथ अगर मैं बात करूं कि हमारा जो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो क्या कह रहा है, तो भाई आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भाई ये फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स कह रहा है कि भाई मैं तो 55 स्कोर के साथ ग्रीड में हूँ, क्योंकि ये कल 63 स्कोर के साथ ग्रीड में था लेकिन स्कोर थोड़ा बहुत कम हमें देखने को मिल रहा है। और लास्ट वीक की बात की जाए 53 स्कोर के साथ ये न्यूट्रल था, और लास्ट मंथ ये 63 स्कोर के साथ हमें एक ग्रीडी कंडीशन में देखने को मिला था। तो भाई बात करते हैं अब बेबी डोज की, तो भाई क्या क्या अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है। तो भाई बेबी डोज का 218 नंबर पे रैंक कर रहा है, 0.2 के बाद 2671 इसकी करंट प्राइस है, 3.82% ये डाउन जा चुका है। बाय द पेयर ऑफ BTC इट इज आल्सो डाउन 1.671%, इधर के हिसाब से 2.97% जो है वो डाउन जा चुका है। तो भाई हम बात करेंगे भाई क्या हालात है, क्या कंडीशन है मार्केट की। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका 2.47% अभी भी जो बेबी डोज कॉइन का वो डाउन है। कब कह सकते हैं कि भाई क्योंकि जो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो डाउन ट्रेंड की तरफ गया, बिटकॉइन डाउन ट्रेंड की तरफ गया, तो इसका जो बेबी डोज कॉइन की जो बर्निंग हुई उसका इतना कोई इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट नहीं हुआ। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कल की थोड़ी जो हुआ था एक अच्छी खासी पंप थी, लेकिन फिर उसमें हमें सडनली एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। तो भाई बात करते हैं बेबी डोज कॉइन में और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली। भाई इनका जो कार्ड एक तो भाई बर्निंग, जो बर्निंग के रिलेटेड बात करूँ तो भाई 500 ट्रिलियन जो है बेबी डोज कॉइन जो है वो बर्न किए गए हैं, जिसकी जो वर्थ बनती है 1.3 मिलियन अकॉर्डिंग टू BSE स्कैन। जी बिल्कुल, यहाँ पे BSE स्कैन का इनका प्रूफ एड्रेस भी दे दिए भाई कि आपको प्रूफ मिला है कि भाई कहाँ जो है वो बर्निंग वगैरह हो चुकी है। तो भाई यहाँ पे तकरीबन 500 ट्रिलियन जो एक बहुत बड़ी अमाउंट की बर्निंग है, जो तकरीबन 1.3 मिलियन वर्थ के जो टोकन बनते हैं। तो भाई ये हमें अच्छी चीज़ देखने को मिली कि भाई आए दिन बेबी डोज कॉइन एक अच्छी खासी अमाउंट में जो है बर्निंग वगैरह करता रहता है। अब बात करें मजीद भाई क्या क्या अपडेट्स हमें देखने को मिली है बेबी डोज कॉइन पे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो भाई इनकी तरफ से एक और ये इमोजी शेयर की गई थी, एक जो आई डोंट नो व्हाट डज दिस मीन, ये एक डोज की पिक्चर है। अब इन्होंने क्यों बनाई है, क्या इसकी कोई आने वाली कोई ऐसी चीज़ है, कोई अपडेट है, उसका कोई क्ल्यू वगैरह है, तो अगर आप कुछ पहचानते हैं, आप कुछ गेस कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके साथ अगर मैं बात करूं जो बेबी डोज कॉइन का जो कार्ड था उसमें अभी 3 दिन रह चुके हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने तकरीबन पहले जो 4 में था तो वो ही इनकी डेट है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा कुछ डेट एक दो दिन आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन इनका कहना है कि अभी हम 3 दिनों में जो है बेबी डोज कॉइन की जो है उसको लॉन्च करने जा रहे हैं वर्चुअल कार्ड को। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिली, क्योंकि ये कार्ड रिफिल होगा बेबी डोज कॉइन के लिए, यूटिलिटी लेके आएगा, गूगल पे पे एप्पल पे पे आप इसको यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद हमने देखा कि कल के दिन कॉइन रैपिड ने भी बेबी डोज कॉइन की लिस्टिंग की, जो एक बहुत बड़ी लिस्टिंग कंसीडर की जाती थी। तो दोस्तों ये कुछ छोटी मोटी सी बातें थी बेबी डोज कॉइन के रिलेटेड, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। मुझे भी देखिए छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपको पसंद आई होगी, और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।